सो हेलो दोस्तों, आप लोग बहुत ही बार बोल रहे थे कि सर सब्जेक्टिव अपलोड कर दीजिए, सब्जेक्टिव अपलोड कर दीजिए। देखिए, देख पा रहे होंगे आप, सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 10 सोशल साइंस, जो आपको कल होने वाला, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप फुल 80 में 80 छाप दीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव के तो हम हल करके डाल ही दिए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इस बार आप लोग बोल रहे थे सर सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, बहुत सा प्यारे बच्चे बोलते हैं कि टर्न ओवर का मतलब क्या होता है सर, तो पेज का पलटना, ठीक है। तो एक बार ऑब्जेक्टिव हम भी आपको दिखाते चलते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अपलोड किया जाता है, जिस भी एग्जाम होगा उसका सबसे पहले यहाँ पे बता दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, देख लीजिए एक बार, टोटल इसका सभी का हल किया हुआ है, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्जेक्टिव बोल रहे थे आप लोग, तो चलिए आप लोग के देखिए बीच में सब्जेक्टिव आ गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिया गया है, किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। आपको 6 प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पे सभी का तो लिखना मेरे बस की बात नहीं है अभी, क्योंकि आप बहुत जल्दी में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखे तो कमेंट डालता है कम से कम 6-7 भाइयों को कि सर अपलोड कर दीजिए, सब्जेक्टिव अपलोड कर दीजिए। तो आपको बता देते, आपको कॉपी में लिखा हुआ होगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए, किन्हीं 1 प्रश्नों को उत्तर देना, आपको 4 नंबर मिलेगा। किन्हीं 1 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो आपको 4 नंबर मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं इतिहास का है, तो फटाफट आप नोट कर लीजिएगा, आपका कॉपी में लिखा हुआ होगा, वहां से लिख के एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसके बाद जाके कल आप पूरा छाप दीजिएगा। तो चलिए आगे दिखाते हैं आप लोग को। देखिए राजनीति विज्ञान लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से आपको किन्हीं में से 2 ये प्रश्न देना है, बहुत ही हल्का हल्का प्रश्न है। देखिए दल बदल कानून क्या है, तो दल बदल कानून इसम तो आप लोग बहुत ही अच्छा से जानते होंगे। तो दल बदल कानून देख विधायक पे लागू होता है, समझ रहे ना। तो आपको सब लिखा हुआ होगा, वहां से आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि हम चाहते तो लिख कर कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं, ये शाम के फिर वीडियो अपलोड होगा, इसीलिए जल्दी जल्दी करना है। तो आपको सब्जेक्टिव बता देते हैं, आपका कॉपी में होगा, वहां से आप नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर देखिए, किन्हीं 1 प्रश्न का उत्तर देना है, ये दीर्घ उत्तरीय, आपको 4 नंबर मिलेगा। उसके बाद आता है हम लोग का अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में देखिए आपको दिया गया, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, सहकारिता से आप क्या समझते हैं, साख क्या है, आय और गरीबी में, ये सब तो बताया, बहुत ही हल्का हल्का प्रश्न है, ठीक है। देखिए फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो आपको यहाँ पे व्यावसायिक बैंक और रोजगार के बारे में किसी एक ही को आपको लिखना है। फिर आ जाता है हम लोग का ज्योग्राफी यानी भूगोल। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते। आप लोग बोले कि सर वीडियो बना दीजिए सब्जेक्टिव का, तो बना दिए बहुत जल्दी, ठीक है। तो इसीलिए अभी मेरा ऑफलाइन भी क्लास है, लेकिन ऑफलाइन के बच्चा को बैठा कर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी आप लोग के लिए अपलोड कर देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देख पा रहे हैं आगे हरी क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसमें बच्चा कोई भी लिख सकता है अपना मन से, जो एक दिन भी नहीं पढ़ा होगा ना वो भी लिख सकता है इसम के बारे में, हरित क्रांति के बारे में। चलिए तो इस प्रकार आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आ जाता है हम लोग का आपदा लघु उत्तरीय। आपदा तो बहुत ही हल्का हल्का होता है, जीवन रक्षा का बताना, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता, भूकंप केंद्र एवं अधि केंद्र के बीच आपको अंतर बताना है। तो इस प्रकार सारा सब्जेक्टिव भी खत्म हो गया। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।